हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास इन हैंड्स। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम के बारे में। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक सिस्टम क्या है? बेसिकली एक तरीके का नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है, जिसमें कि किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को नहीं यूज़ किया जाता है। बेसिकली एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। इस टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका नाम समझते हैं। इसका नाम क्या है? मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। जैसा कि आप नाम में देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक्स। मैग्नेटो का मतलब मैग्नेट से है, जो मैग्नेट यानी कि चुंबक जो होता है, मैग्नेट से है, ठीक है। हाइड्रो मतलब ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी वाटर के इक्विवेलेंट हो, या गैस के इक्विवेलेंट हो, या किसी तरल पदार्थ के इक्विवेलेंट हो, वहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है, हाइड्रो यूज़ किया जाता है। और डायनेमिक्स का मतलब क्या है? डायनेमिक्स का मतलब है मोशन से। डायनेमिक्स का मतलब क्या है? मोशन से, यानी कि डायनेमिक्स का मतलब है मोशन से, यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई अगर मटेरियल है जो कि मैग्नेट के बीच में फ्लूड जैसा मोशन करता है, तो उससे पावर जनरेट हम कैसे करेंगे, ठीक है। कोई मटेरियल अगर मैग्नेट्स के बीच में फ्लूड जैसा मोशन करता है, तो उससे हम पावर कैसे जनरेट करेंगे। इसी सिस्टम पे ही हमारा पूरा एनर्जी प्रोडक्शन चलता है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के। इंट्रोडक्शन में हम क्या देख रहे हैं, जैसा कि ये फ्लो डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये जो फ्लो डायग्राम बना हुआ है, इसमें हम क्या देख रहे हैं? हीट एनर्जी ऑफ फ्यूल। एक फ्यूल लेते हैं, उसकी जो हीट एनर्जी होती है उसको MHD सिस्टम में डालते हैं, और वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्टली हीट एनर्जी को डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं विदाउट एनी कन्वेंशनल जनरेटर। अभी तक और में हम क्या करते थे, और एनर्जी सिस्टम में हम क्या करते थे, एक जनरेटर यूज़ करते थे। उस जनरेटर में क्या होता था, जैसा कि मान लीजिए हम लोग कोयला जलाया, अब कोयले को जलाने के बाद क्या करते थे, हम उसको कोयले से पानी गर्म करते थे, पानी स्टीम में कन्वर्ट होता था, तो पानी स्टीम में कन्वर्ट होता था। उसके बाद वो स्टीम क्या होती थी, वो स्टीम जाती थी, जब एक पर्टिकुलर प्रेशर पे पहुंच जाती थी तो टरबाइन ऑपरेट करती थी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने उस कन्वेंशनल जनरेटर को बीच से रिमूव कर दिया, ठीक है। बीच से रिमूव करने का से क्या हुआ, जो बहुत ज़्यादा लॉसेज होते थे उस कन्वेंशनल जनरेटर में, वो लॉसेज मिनिमाइज हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन फॉर लार्ज पावर जनरेशन। लार्ज पावर जनरेशन में इसका डायरेक्ट कन्वर्जन यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कंडक्टिंग फ्लूड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैंने बताया था कि MHD क्या है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स, यानी कि एक कंडक्टिंग फ्लूड है, ऐसा फ्लूड जिसको कि एक मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव करते हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट होती है। कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। अब क्या है, अब इसमें हम ये समझेंगे कि नीड क्या है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स को यूज़ करने का नीड क्या है। तो आने वाले टाइम में हम जान रहे हैं कि स्टूडेंट्स, जितने भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं, चाहे वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में, एनर्जी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया आपका, ये सब मटेरियल क्या है, एक दिन एग्जॉस्ट कर जाएंगे। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, तो न्यूक्लियर फ्यूल जो है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये भी जो हमारे पास है वो भी लिमिटेड अमाउंट में ही है। यानी एक समय ऐसा आएगा जब न्यूक्लियर फ्यूल भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, और आने वाले समय में हमको और ज़्यादा एफिशिएंसी से एनर्जी को जनरेट करना है। तो वही कह रहा है, एट प्रेजेंट अ प्लेंटी ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू सस्टेन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड द एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक कोल, ऑयल, यूरेनियम एक्सेट्रा आर नॉट एडिक्वेट टू मीट द इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड्स। मतलब ये जो हमारे पास रिजर्व रखे हुए हैं कोयल के और थोरियम के और आपके ऑयल के, नेचुरल गैस की, ये इतने सफिशेंट नहीं है कि हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, एफर्ट्स हैव बीन मेड टू हार्नेसिंग एनर्जी फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक MHD, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। तो बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं MHD को यूज़ करने की, जिससे कि एनर्जी को हार्नेस किया जा सके। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में। इन 1932 माइकल फराडे डेमोंस्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंट्स दैट देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन एन करंट कैरिंग कंडक्टर मूविंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बता रहे हैं कि अगर किसी माइकल फैराडे ने क्या थ्योरी दी थी 1932 में, कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मूव किया जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो क्या होता है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक मैग्नेट है नॉर्थ, ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, इसके बीच में अगर मान लीजिए कि कोई इस तरीके से
कंडक्टर मूव कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर मूव एक करंट कैरिंग कंडक्टर मूव कर रहा है, तो इसके बीच में क्या होता है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर कोई कंडक्टर बीच में मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच में करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल दिया था माइकल फैराडे ने, इसी प्रिंसिपल के ऊपर में ये काम करता है ये पूरा जो आपका सिस्टम है। इन 1938 US साइंटिस्ट बेला कार्लोविट्स इन द फर्स्ट वन टू डेवलप द मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर। 1938 में US के एक साइंटिस्ट थे बेला कार्लोविट्स, इन्होंने पहली बार इस सिस्टम को जनरेट किया, इस सिस्टम को जनरेटर को मतलब डेवलप किया। ठीक है, प्राइमरीली स्टेज में इंडिया में जो है तिरुचिरापल्ली में BHEL के कोलेबोरेशन से इस सिस्टम को और डेवलप करने का काम चल रहा है। अब हम जानते हैं जानेंगे कि किस तरीके से सिस्टम काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ MHD की। प्रिंसिपल जो है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स का, वो किस पे बेस करता है, लॉरेंट्स लॉ पे और फैराडे लॉ पे। फैराडे लॉ मैंने बताया था कि माइकल फैराडे ने क्या थ्योरी दी कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर मूव करता है तो उस कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, करंट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इन दिस सिस्टम द हॉट आयनाइज गैसेस गैसियस कंडक्टर वर्किंग फ्लूड इज पास थ्रू अ हाई मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर बाई करंट इज प्रोड्यूस बाई प्लेसिंग द सुटेबल इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड कैथोड इन साइड द चैम्बर, द आउटपुट लोड इज टेकन थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। मतलब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस सिस्टम में क्या करते हैं, एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस हाई मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से हम क्या करते हैं, उस हाई मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से हम आयनाइज गैस पास कराते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड रखा, जो दो मैग्नेट हमारे रखे हुए हैं, यहाँ मान लो नॉर्थ पोल हो गया और यहाँ हो गया साउथ पोल, इसके बीच से क्या करते हैं, इसके बीच से हम आयनाइज्ड गैसेस को पास कराते हैं। आयनाइज्ड गैसेस को क्या करते हैं, पास कराते हैं इसके बीच में से, यहाँ से निकलती हैं आयनाइज्ड गैसेस। ठीक है, तो क्या होता है, इन आयनाइज्ड गैसेस में चार्ज जनरेट हो जाता है, इन आयनाइज गैसेस में क्या हो जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है, और इसी यहीं पे दो इलेक्ट्रोड्स लगा के, एक यहाँ पे प्लस एक यहाँ पे माइनस लगा के, इन्हीं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू एक आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस कर लिया जाता है। अब इसका क्लियर डायग्राम मैं दिखाऊंगा, ये मैंने ऐसे रफ स्केच बनाया है। ठीक है, तो एक एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, उसी कैथोड के थ्रू करंट को जनरेट कर लिया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जानते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, जब प्लाज्मा ही भी एक क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है। जब कोई लिक्विड जब कोई गैस चार्ज हो जाती है, ठीक है, चार्ज होने के बाद वो फ्लूड जैसा बिहेव करने लगती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसी स्टेट ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो उस चार्ज के दौरान क्या होता है कि जब हीट कर देते हैं गैस को, हम बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो उसके एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उसके ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से गैस में चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ कह रहा है द चार्ज गैस पार्टिकल विद हाई वेलोसिटी एंटर्स इनटू द जनरेटर चैम्बर वाया नोजल। अब क्या हो रहा है, चार्ज गैस पार्टिकल कहाँ एंटर कर रहे हैं, जनरेटर चैम्बर में एंटर कर रहे हैं, किसके थ्रू एंटर कर रहे हैं, एक नोजल के माध्यम से। अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये सारा ऑपरेशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज मूव्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड्स कैथोड एनोड एंड कंस्टिट्यूट द करंट। यानी मैंने बताया था कि वहीं पे हम क्या करेंगे, दो पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। ठीक है, जब वो चार्ज गैस वहाँ से निकलेगी उसके बीच में से, तो क्या होगा, पॉजिटिव पार्टिकल निगेटिव की तरफ जाएंगे और निगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और वहाँ के उनके दोनों की वजह से क्या होगा, एक करंट जनरेट होगा इन जनरेटर चैम्बर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, इन जनरेटर चैम्बर बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ द हाई वेलोसिटी आयनाइज कंडक्टिंग गैसेस। जब वो गैसेस आयनाइज हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, वो एक कंडक्टर की तरह काम करने लगती हैं, और इसी प्रिंसिपल पे ये फैराडे लॉ को फॉलो करता है, इसी वजह से ये फैराडे लॉ को फॉलो करता है। मैंने क्या बताया था फैराडे लॉ में, कि दो मैग्नेट होंगे, इन दो मैग्नेट के बीच से एक कंडक्टर पास करेगा, तो जब ये गैस आयनाइज हो जाती है तो यही जो प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाती है, तो यही गैस क्या होती है, एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगती है। ठीक है, और जब ये इनके बीच में से पास होती है, इसके अंदर करंट आ जाता है, तो एक फ़ोर्स को फील करती हैं, इसी फोर्स की वजह से उनका एक पर्टिकुलर मोशन की वजह से वो क्या होता है, वहाँ पे करंट जनरेट होता है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट पोटेंशियल इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ मूविंग गैस पार्टिकल एंड टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, वो जो मूविंग गैस पार्टिकल होता है उसके और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारे मैग्नेट्स हैं। ठीक है, ये हमारे मैग्नेट्स हैं, यहाँ नॉर्थ पोल है,
यहाँ साउथ पोल है। अब मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ऐसे मूव कर रही हैं इस दिशा में, ठीक है। आपका जो गैस है वो गैस इस दिशा में मूव कर रही है, ठीक है। अब जो हमारा करंट होगा, ये करंट इसकी परपेंडिकुलर दिशा में मूव करेगा। जो करंट होगा आई, ये जो आई होगा, ये करंट हमारा इसके परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कि कुछ इस तरीके का मूवमेंट बनेगा इनका, ठीक है। कि ये जो ये वाली लाइन है ये किसके, या ऐसे बना लेते हैं, ये क्या, ये वाली लाइन किसके है, ये वाली लाइन इस यहाँ पे जो मोशन बनेगा, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक लाइन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, एक हो गई कंडक्टर की, ठीक है। और ये तीसरी किसकी हो गई, तीसरी हो गई करंट की। ये करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये आपका कंडक्टर हो गया, ठीक है। इन तीनों के में परपेंडिकुलर रहेगा। जब मैंने बताया, जब उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ चली जाती है, जो इलेक्ट्रोड्स हमने कनेक्ट किया एक्सटर्नल सर्किट से, वहाँ पे लोड को ऑब्टेंड कर लिया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जो करंट जनरेट हो रहा है, ये करंट जो है वो डीसी करंट जनरेट होता है। कौन सा करंट जनरेट होता है, डीसी करंट। अब इस डीसी करंट को क्या करते हैं, इन्वर्टर को लगा के इस डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। डीसी किस में बदल देते हैं, एसी में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, यहाँ पर इन्वर्टर लगा देते हैं, इन्वर्टर लगा के इस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अब इसमें क्या करते हैं, इन एमएचडी जनरेटर द सीडिंग मटेरियल सच एज पोटेशियम सीजियम आर यूज्ड टू रिड्यूस द आयनाइजेशन टेम्परेचर। क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर गैस को बर्न करते हैं या हीट करते हैं, उस समय उस गैस का प्योर फॉर्म में गैस होती है, तो क्या होता है, उसका आयनाइजेशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसको आयनाइजेशन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, क्यों कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि उसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसको हम हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, 2300-2400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर पोटेशियम और सीजियम मटेरियल्स को मिक्स कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो आयनाइजेशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो ये है कि हमको गैस को आयनाइज करना है, ना कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाना है। अगर गैस आयनाइज हो गई तो हमारा काम हो गया। अब वो गैस जब मैग्नेट्स के बीच में से मूव करेगी तो एज अ कंडक्टर बिहेव करेगी, ठीक है। वहाँ पे हमारा टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम टेम्परेचर को कम करते हैं। उससे क्या होता है, उससे गैस को हैंडलिंग करना भी आसान होता है और हमारा काम भी, पर्पज़ भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बनता है, तो इलेक्ट्रोड्स आर जनरली मेड यूजिंग हाई टेम्परेचर सिरेमिक मटेरियल सच एज कार्बाइड। सिरेमिक्स को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि सिरेमिक्स जनरली हाई टेम्परेचर को झेलने में क्या बोलते हैं, कामयाब होते हैं। ब्रोमाइड्स भी कामयाब होते हैं, सिलिकेट्स की भी बड़ी अच्छी कैपेसिटी होती है हीट एनर्जी को झेलने की, क्योंकि अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है आयनाइजेशन ऑफ गैसेस की वजह से। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ एमएचडी सिस्टम की बात करते हैं। जनरली दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक ओपन सिस्टम होता है, ठीक है, एक ओपन सिस्टम होता है, और दूसरा वाला हमारा क्लोज साइकिल सिस्टम होता है, ठीक है। ओपन सिस्टम में ये होता है कि जो हम फ्यूल यूज़ करते हैं, जो गैस यूज़ करते हैं, उसको हम रिसाइकिल नहीं करते हैं, और क्लोज सिस्टम में हम रिसाइकिल करते हैं। होता क्या है बेसिकली, ये जो ओपन सिस्टम है ये अभी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और ये क्या है, ये लेस डेवलप्ड है, अभी कम यूज़ हो रहा है, ठीक है। क्लोज सिस्टम कम यूज़ हो रहा है, ओपन सिस्टम हमारा ज़्यादा यूज़ अभी हो रहा है, ठीक है। क्लोज सिस्टम में हम न्यूक्लियर रिएक्टर, ब्रीडर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, मगर उसका भी डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं है। ओपन साइकिल सिस्टम का ही ज़्यादा डेवलपमेंट है और ज़्यादा यूज़ है। अब आइए समझते हैं डायग्राम के माध्यम से कि कैसे हमारा ओपन साइकिल सिस्टम काम करता है और कैसे क्लोज साइकिल सिस्टम काम करता है, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये स्टूडेंट्स हमारा ओपन साइकिल एमएचडी सिस्टम, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें क्या है, स्टीम पावर्ड ओपन साइकिल सिस्टम दिखा रहे हैं एक, ठीक है। अभी मैं एक दूसरे डायग्राम के माध्यम से भी आपको थोड़ा सा क्लियर समझाऊंगा। इसमें करके रहे हैं, इसमें आपको देखिएगा कि यहाँ पे एक कंबस्टर लगा हुआ है। कंबस्टर क्या काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जो इसके अंदर फ्यूल डाल रहे हैं, ये उस फ्यूल को जला रहा है, ठीक है। फ्यूल को जला क्यों रहा है, क्योंकि वो गैसेस को हीट करना है। गैसेस को हीट करने से क्या होगा, गैसेस आयनाइज होंगी। उसके बाद मैंने क्या बताया था, एक नोज़ल के माध्यम से ये चैम्बर में डाल दी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये नोज़ल लगी हुई है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा चैम्बर है। कौन सा चैम्बर है, एमएचडी चैम्बर है। कौन सा चैम्बर है, एमएचडी चैम्बर है, ठीक है। ये हमारा एमएचडी चैम्बर है। अब हम देख रहे हैं इस एमएचडी चैम्बर के दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्या लगे हुए हैं,
ये मैग्नेट लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, मैग्नेट, ठीक है, यहाँ पे ये और ये क्या लगे हुए हैं, ये दोनों मैग्नेट लगे हुए हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस जो चैम्बर है MHD चैम्बर, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड है और इसी के अंदर हमने इलेक्ट्रोड भी लगा रखा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से क्या निकल रही है, DC सप्लाई निकल रही है, जो कि कहाँ जा रही है, इन्वर्टर में, और इन्वर्टर के बाद कहाँ जा रही है, AC सप्लाई बन के हमारा लोड की तरफ, AC सप्लाई बन के हमारा कहाँ चली जा रही है, ये लोड की तरफ चली जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो हॉट गैसेस जो प्लाज्मा इसके अंदर से ट्रैवल किया था, अब इसका काम खत्म हो गया। अब इसके इससे क्या कर रहे हैं, हम एयर को प्री हीट कर ले रहे हैं। एयर प्री हीट कहाँ काम आ रही है, दोबारा हमारे कम्बशन चैम्बर में काम आ रही है, जहाँ पे हमको गैस का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब इसमें इसके अंदर हीट इतनी ज़्यादा है कि हाइब्रिड सिस्टम है ना यहाँ पे, तो ये देखो हाइब्रिड सिस्टम लिखा हुआ है ना, अब इसके अंदर हीट इतनी ज़्यादा है, इसी हीट से हम क्या कर रहे हैं, स्टीम जनरेट कर ले रहे हैं, ठीक है, और इसी इसी से एक स्टीम टरबाइन हम चला दे रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है, जब स्टीम जनरेट हो जा रही है तो यहाँ से गैस निकल रही है और ये फिर कहाँ चली जा रही है, सीड रिकवरी में। सीड मैंने बताया था ना, सीड क्या होता है, हम मटेरियल मिलाते हैं, जैसे सीजियम मिलाते हैं या पोटेशियम मिलाते हैं, अल्कलाइन मटीरियल्स मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं, जिससे कि आयनाइजेशन गैस का टेम्परेचर कम रखा जा सके, इसलिए मिलाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मिक्स इसीलिए किया जाता है कि ये आयनाइजेशन गैस का टेम्परेचर कम करे। अब इसको क्या किया जाता है, सीड को वापस बाहर निकाल लिया जाता है, यानी उस मटेरियल को, मेटल को बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि वो अगर हम एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जा रहा है, अगर हम इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हमारा पोल्यूशन क्रिएट करेगा मेटल और चीज़ों से कंबाइन करके, तो इसको दोबारा क्या किया जा रहा है, इसको दोबारा इनलेट में ले लिया जा रहा है। आ रही बात समझ में, तो ये सारा हमारा हो गया। तो आपका कंबशन हो रहा है, कंबशन क्यों हो रहा है, एक फ्यूल जला रहे हैं जिससे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उस फ्यूल के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हॉट एयर ले रहे हैं, यहाँ पे हम एयर को यूज़ कर रहे हैं एज अ फ्लूड, बट जनरली गैसेज यूज़ करते हैं, जैसे हीलियम हो गया, ये गैसेज जनरली आपका क्लोज सिस्टम यूज़ करते हैं, यहाँ ओपन सिस्टम में जनरली एयर ही यूज़ कर लेते हैं एज अ मीडियम, क्योंकि एयर भी जब आयनाइज हो जाती है तो एज अ कंडक्टर बिहेव करने लगती है। तो यहाँ पे आप देखिए सिंपल एयर को यूज़ किया जा रहा है और उसके बाद से उसी एयर को वापस यहाँ पे निकाल दिया जा रहा है, ठीक है, उसी एयर को वापस यहाँ पे निकाल दिया जा रहा है, ठीक। अब हम बात करेंगे, ये था हमारा ओपन साइकिल MHD सिस्टम, जिसमें क्या था, एक बार एयर जा रही है और सारा प्रोसेस करके बाहर को निकल जा रही है। देखिए ज़्यादा सिंप्लीफाइड डायग्राम है, इसमें क्या है, वही सारी चीज़ें, ये भी ओपन साइकिल सिस्टम का है, मैं दूसरा डायग्राम लाया हूँ कि आपको और क्लियर समझाने के लिए। इसमें भी वही सारी चीज़ें हो रही हैं कि आपका एयर है, फ्यूल के साथ मिक्स हो रहा है, बर्न हो रहा है, कंबशन चैम्बर में जा रहा है, फिर एक्सपेंशन नोजल में जा रहा है, ये वही हमारा MHD चैम्बर है, इसके एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, जिसके दोनों एंड पे हमको करंट आउटपुट प्रोड्यूस हो जा रहा है, यहाँ पे करंट मिल जा रही है। उसके बाद क्या करेंगे, इसी करंट को इन्वर्टर के थ्रू चेंज कर लेंगे, DC को किस में बदल लेंगे, हम AC में बदल लेंगे, इसी DC को AC में बदल लेंगे, और ये जो एग्जॉस्ट गैस है इसके माध्यम से हम हीट एक्सचेंजर से इसकी हीट निकाल के कोई और काम कर सकते हैं, कोई स्टीम टरबाइन चला सकते हैं या कोई और इंडस्ट्रियल वर्क इससे हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा सेकंड टाइप है क्लोज साइकिल MHD सिस्टम, इसमें क्या हो रहा है, उसमें हमने देखा था कि एयर जो थी वो बाहर निकल जा रही थी। एयर क्या थी, एयर जो आ रही थी यूज़ होने के बाद, स्टीम जनरेट करने के बाद, वो एयर कहाँ हो रही थी, वो एयर बाहर चिमनी के माध्यम से निकल जा रही थी। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें एयर नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे देखिए ये आर्गन गैस यूज़ कर रहे हैं, आर्गन या हीलियम या नियॉन गैस को यूज़ करते हैं, ये इजीली आयनाइज भी हो जाते हैं, प्योर फॉर्म में होती हैं तो, और बस इनके साथ ड्रॉबैक ये है कि इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से इनके साथ सीड मटेरियल जैसे सीजियम या पोटेशियम मिक्स करना पड़ता है, जिससे कि इनका हीट एनर्जी कम रहता है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए यही आर्गन गैस दोबारा से यहाँ पे हम कंबशन चैम्बर में यूज़ कर रहे हैं, फिर MHD जनरेटर में जा रही है, यहाँ पे सेम सिस्टम है, फिर MHD जनरेटर से DC पावर बन रहा है, DC पावर से इन्वर्टर में जा रही है, इन्वर्टर से हमारे यहाँ पे 3-phase AC पावर बन जा रही है, ठीक है। तो होपफुली आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। ओपन साइकिल में क्या होता है, ओपन साइकिल में आपका एयर को यूज़ करते हैं, एयर को आयनाइज करते हैं, आयनाइज करने के बाद उस एयर को दोबारा से हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। क्लोज साइकिल सिस्टम में हम एयर को यूज़ नहीं करते हैं एज अ वर्किंग फ्लूड, हम क्या करते हैं, हीलियम या नियॉन गैस को लेते हैं, उसको आयनाइज करते हैं, उसको आयनाइज करने के बाद उसी को यूज़ किया जाता है और उसके बाद उसको दोबारा ठंडा करके रिसाइकिल करके दोबारा से सेम फ्लूड को बार बार यूज़ किया जाता है।
अब हम एक डायग्राम के माध्यम से और आपको थोड़ा सा क्लियर समझाएंगे कि कैसे प्रिंसिपल होता है उसके, ये जो चैम्बर है ना, ये जो MHD चैम्बर है, इसके अंदर का कैसा आपको कंस्ट्रक्शन कैसा दिखता है उसको हम थोड़ा सा और क्लियर समझाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये दो डायग्राम है, इसके माध्यम से मैं थोड़ा और क्लियर आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है। कैसे कैसे आपको जो चैम्बर होता है, जो MHD चैम्बर मैंने बताया, उसके अंदर क्या कैसे प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक तरफ से वर्किंग फ्लूड जो है हमारा प्लाज्मा अंदर जा रहा है। प्लाज्मा मैंने बताया था आयनाइज गैस या आयनाइज एयर जो होती है वही प्लाज्मा होती है। तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ इस चैम्बर के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। एक तरफ एक कैथोड वॉल है, ठीक है। इसके ठीक नीचे ये येलो कलर से आप देख रहे हैं एनोड वॉल है, ठीक है। इसके अब इसके थ्रू इसके एंड्स पे क्या हो रहा है, हमें एक पॉजिटिवली चार्ज है एक निगेटिवली चार्ज है। इसके एंड्स पे क्या हो रहा है, इसके एंड्स पे हमें लोड मिल रहा है, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रही है वो मिल रही है, ठीक है। इधर इधर इंसुलेटिंग वॉल्स लगी हैं और इन्हीं वॉल्स के साइड पे क्या है, मैग्नेट्स लगे हुए हैं इस तरफ और इस तरफ। यहाँ पे क्या हुए हैं, मैग्नेट्स लगे हुए जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ देख रहे हैं ना, ये मैग्नेट इस तरीके से मैग्नेट्स लगे हुए हैं दो और इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, यहीं से ये आपका प्लाज्मा पास कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारा ऑपरेशन हो रहा है, एक तरफ से प्लाज्मा एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में से, तो वो फैराडे का लॉ आ जाएगा कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से कोई करंट करंट कंडक्टर मूव करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, और जब ये मूव कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, इसके अंदर जा रहा है, ब्लू एरो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब इसके अंदर जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसी यहाँ पे जो कैथोड और एनोड जो लगे हुए हैं इसके अक्रॉस इसको करंट ऑब्टेन हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस करंट को हम दोबारा से कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे थोड़ा सा इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये कंस्ट्रक्शन का डायग्राम है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन में क्या समझा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये कंस्ट्रक्शन में क्या बताया जा रहा है। ये कंस्ट्रक्शन में आप देखिए, एक चैम्बर है जो मैंने बताया था ना MHD चैम्बर, ये पूरा वो क्या है, ये पूरा MHD चैम्बर है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, वर्किंग फ्लूड यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है। वही लगभग वही डायग्राम है, इसको दूसरे तरीके से मैं दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। एक तरफ ये देखिए मैग्नेट का साउथ पोल है, एक तरफ नॉर्थ पोल है, इसके बीच में क्या है, नोजल है, यहाँ पे नोजल है, यहाँ नोजल से क्या हो रही है, आपकी आयनाइज गैस एंटर कर रही है, ठीक है। और यहीं पे क्या हुआ है, इसके दूसरे साइड में अपर साइड में ये क्या लगे हुए हैं, हमारे इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, जो तीन लाइनें दिख रही हैं आपको, ये जो तीन लाइनें ये हैं और ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, जो ब्लैक ब्लैक डॉट से ये दिखा रहा है, ये क्या है, ये दोनों क्या है, हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर करेंट ऑप्टेल हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके का पूरा प्रोसेस होता है, ये हमारा कम्बशन चैम्बर है और ये पूरा हमारा MHD चैम्बर है जो मैंने बताया था, इसके थ्रू ये सारा ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली क्या डिफरेंस होता है ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल सिस्टम में, कौन सा एफिशिएंट ज़्यादा है और इसके एप्लीकेशन और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। देखिए क्या है, थोड़े से डिफरेंसेस बताए गए हैं ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल सिस्टम में, कि वर्किंग फ्लूड आफ्टर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने बताया था कि जो वर्किंग फ्लूड है एक बार यूज़ करने के बाद हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, दोबारा इसको यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वर्किंग फ्लूड इज़ रिसाइकल्ड टू द हीट सोर्स एंड दस इज़ यूज अगेन, इसको दोबारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हीलियम और ऑर्गन गैस यूज़ करते हैं जिसमें सीजियम की सीडिंग है, सीजियम एक मेटल होता है इसकी, या पोटेशियम, इसकी सीडिंग यूज़ की जाती है। सीडिंग क्यों यूज़ की जाती है, सीडिंग इसलिए यूज़ की जाती है कि उसका टेम्परेचर लोअर रखा जा सके, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ MHD, यहाँ पे देखिए ओपन साइकिल सिस्टम है, ऑपरेशन ऑफ MHD जनरेटर इज डन डायरेक्टली एज ए कम्बशन प्रोडक्ट, ठीक है। डायरेक्टली कम्बशन प्रोडक्ट्स को इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा वो क्लोज साइकिल सिस्टम ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे टेम्परेचर रिक्वायरमेंट अबाउट 530 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है, यानी कि बहुत ईजी होगा हमारे लिए हैंडल करना 530 डिग्री सेल्सियस को। यहाँ पे हम देख रहे हैं टेम्परेचर रिक्वायरमेंट हमारी 2300 डिग्री से 2700 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होती है, ज़रूरत पड़ती है हमें एयर में, ठीक है। और जब हम हीलियम या आर्गन यूज़ करते हैं तो हमें इतनी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि एयर हमारी हाईर टेम्परेचर पे आयनाइज होगी, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं डायरेक्टली तो टेम्परेचर हाइयर हो जाता है, मगर यहाँ पे एक जो डिसएडवांटेज ये है कि ये जो हमारा सिस्टम है ये अभी अंडर डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड है, और ये हमारा फुल्ली डेवलप्ड है, ठीक है।
ये देखिए इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। कन्वर्जन एफिशिएंसी अबाउट 50% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेस फ्यूल कंजम्पशन, फ्यूल का कंजम्पशन लेस है। लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री पावर जनरेटेड, बहुत ही कम पॉल्यूशन में पावर हमारा जनरेट हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं फ्यूल जब कम कम यूज़ होगा तो पॉल्यूशन भी कम जनरेट होगा। एबिलिटी टू रीच फुल पावर लेवल एज सून एज स्टार्टेड, मतलब शुरुआत से ही ये मैक्सिमम पावर जनरेट करने लगता है। ठीक है, जैसे और सिस्टम्स में क्या होता है, धीरे धीरे पावर जनरेशन बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, यहाँ पे स्टार्टिंग से ही अच्छा खासा पावर ये जनरेट करने लगता है। प्लांट साइज इज़ कंसिडरेबली स्मॉलर देन कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल, जो प्लांट साइज़ है वो कन्वेंशन बहुत ज़्यादा छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि मैंने बताया जो कन्वेंशनल जनरेटर हम यूज़ करते थे हर और अदर एनर्जी सिस्टम्स में, वो जनरेटर यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया। लेस ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट, ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट हमारी लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट लो हो जाएगी, जो हमारा ज़्यादा टूट फूट मचती थी, जनरेटर ख़राब होते थे, जो भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, तो हमारा ओवरऑल जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लो हो जाती है, तो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट भी लो हो जाती है। नो मूविंग पार्ट्स सो मोर रिलायबल, मूविंग पार्ट्स नहीं होते तो क्या होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, सुटेबल फॉर पीक पावर जनरेशन एंड इमरजेंसी सर्विसेज, अगर मान लीजिए कि अचानक से कहीं पे पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसके लिए सुटेबल है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शुरुआत से ही ज़्यादा पावर जनरेट ये करने लग रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, सफर्स फ्रॉम रिवर्स फ्लो शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टिंग फ्लूइड्स अराउंड द एंड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि रिवर्स फ्लो हो गया अगर किसी तरीके से, तो शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, क्योंकि करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और वहाँ पे अगर किसी तरीके से आपका टर्बुलेंस की वजह से या किसी वजह से अगर रिवर्स फ्लो हो गया, तो स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है इलेक्ट्रोड्स की। इसीलिए देखिए मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स वहाँ पर लगाए हुए थे। ठीक है, नीड्स वेरी लार्ज मैग्नेट्स एंड दिस इज़ अ मेजर एक्सपेंस, बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें बड़े साइज़ के मैग्नेट चाहिए, जो कि एक्सपेंसिव होंगे। हाई फ्रिक्शन एंड हीट ट्रांसफर लॉसेज, हीट ट्रांसफर लॉसेज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम कंडक्टर ही यूज़ कर रहे हैं हर जगह, और फ्रिक्शनल लॉसेज भी इसके अंदर होते हैं। हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर हमारा हाई होता है, उसको हैंडल करने के लिए हमारा बहुत सारे खर्चा होता है और बहुत सारी परेशानी होती है। अब यहाँ पे देखिए कोल्ड यूज्ड एज फ्यूल पॉजेस प्रॉब्लम ऑफ मोल्टेन ऐश विच में शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रोड्स, जो कोल यूज होता है उसमें मोल्टेन ऐश की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड्स में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हैंस ऑयल नेचुरल गैस आर मच बेटर फ्यूल्स फॉर एमएचडी, रिस्ट्रिक्शन ऑन वन यूज़ ऑफ फ्यूल मेक द ऑपरेशन मोर एक्सपेंसिव, जैसे क्या करें हम कोल को यूज़ करना अवॉइड करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे नेचुरल गैस या ऑयल को यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या होता है कोल मेल्ट करके अंदर चला जाती है, उसकी एशेज मेल्ट करके चली जाती है अंदर, मगर इसमें ऑयल में और नेचुरल गैस में तो मोल्टन ऐश का कोई चक्कर नहीं है, तो इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर फ्यूल को यूज़ करने का रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो हमारा जो है इसको एमएचडी सिस्टम को यूज़ करना और एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए जहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस का सोर्स है, हम इस एमएचडी सिस्टम को वहीं पे लगाएंगे, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट वहीं लगाया जाता है जहाँ पे कोयले की खदान होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस है वहीं पे हम इसको लगाएंगे, तो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। अगर हम कहीं दूसरी जगह इस प्लांट को लगाते हैं तो क्या होगा, हमें ऑयल और नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा, तो हमारा ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज लगेगा, तो हमारी क्या होगी ओवरऑल जो कॉस्ट होगी वो ओवरऑल कॉस्ट हाई हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, लगभग सारी चीज़ें हम लोगों ने एमएचडी में रिव्यू कर लिए हैं, इसके माध्यम से जो मैंने स्लाइड्स के इमेजेस के माध्यम से आपको पढ़ाया है, आप यहाँ पे अपने नोट्स भी ले सकते। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। रिक्वेस्ट टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्लास इन हैंड्स। यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन कमेंट्स। फॉर एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी, द डिटेल्स आर मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग।